जो फर्स्ट में टायर या वो आ रही है आलन ब्लॉग की चैनल से गाइस एक वीडियो उठ रही है जहाँ पे गाइस वो बड़ी बड़ी थबियां लेके आते हैं पैसे की और वो वहाँ पे बोलते हैं कि गाइस मैं सुपर बाइक नई बुक करवाने वाला हूँ क्योंकि उनने बताया कि मेरे को एक नई सुपर बाइक पसंद आ गई है। उनने बताया कि मैं आपको तगड़ा सा सरप्राइज भी देने वाला हूँ, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। यहाँ पे चेक करो, अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा कैश लेके। गाइस हम यहाँ पे क्यों आए बताओ जरा, बाइक लेने ना सुपर बाइक। सो गाइस एक बाइक पसंद आ गई थी तो गाइस उसका थोड़ा सा एडवांस डाल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अगर डील डन हो जाती है ना तो एक न्यू सुपर बाइक आने वाली है अपने पास। मैं अभी आपको रिवील नहीं करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन सी बाइक आने वाली है। बाकी आपको लगता है कि आने ब्लॉग कौन सी सुपर बाइक लेके आने वाले हैं, लगता है तो आपको ये लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट बेटा ये वो आ रही है आमिर भाई की साइड से, तो क्या आमिर भाई के साथ स्कैम होने वाला था? जी हाँ, सही सुना आपने। आमिर भाई के चैनल से एक वीडियो उठी है जिसमें आमिर भाई कह रहे हैं मैंने अपनी मिनी कॉपर कोलकाता से सीधा मुंबई इंपोर्ट करवाई थी, लेकिन वो बंदा मेरे को एक हफ्ते का टाइम दिया था और मेरे से 20,000 रुपए भी लिए थे, लेकिन वो बंदा मेरा अभी फोन ही नहीं उठा रहा। मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल करके मैं थक चुका, 50 कॉल किए, लेकिन वो बंदा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तो भाई सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। मिनी कॉपर जो है वो बॉम्बे पहुंचने वाली थी, मैं एक डीलर के थ्रू भाई गाड़ी मंगवाई थी कोलकाता से, वो 20,000 पे किया था भाई, और वो बंदे ने कर दिया हमारे साथ स्कैम कि हमने पे किया और उसने बोला कि 5 दिन में गाड़ी जो है भाई वो आपके पास पहुंचाएगी, बट भाई 10 से ज्यादा दिन हो गए। मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि गाड़ी जो है वो चोरी हो गई। बाद में पता चला कि भाई वो जो डीलर था वो हमारी गाड़ी नहीं भेज रहा था, उसके साथ 5-6 गाड़ियां और भेज रहा था और उसके लिए वो वेट कर रहा था। हमारा फोन कॉल कुछ नहीं अटेंड कर रहा है, मैं मैसेज कर करके थक गया हूँ। आगे से बंदा बदतमीजी कर रहा है, बहुत गंदे तरीके के साथ कर रहा था। भाई मेरे YouTube वीडियो पे भी डाल दूंगा कि भाई ऐसे बंदों से ना बचो। आमिर भाई ने बोला है कि ऐसे बंदों से बचो, अपनी गाड़ी अच्छे अच्छे बंदे को दो इम्पोर्ट करवाने के लिए, ऐसे बंदे को इम्पोर्ट करवाने के लिए मत दो। तू क्या इशारा कर रहा है, तू गाड़ियां इम्पोर्ट करता है इधर? जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है यासिर चौधरी व्लॉग की साइड से। यासिर चौधरी व्लॉग के चैनल से गाइस एक वीडियो उठी है जिसमें अमीन बट व्लॉग और सैम व्लॉग की काफी तगड़ी वाली बहस देखने के लिए मिली है। ये तो पता चलता नहीं गाइस कि किस रीजन पे उनकी बहस होती है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। मैं चुप था क्योंकि वहाँ पे बाइक थी उस टाइम। अरे यार क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? बीच में से फाड़ देता हूँ बंदे। क्या कर रहे हो यार? कैसे देख रहा था, कैसे देख रहा था तू मेरे को? दिखता हूँ मैं ऐसा? फाड़ दे यार। इससे क्या लड़ना है, ये घोपूंगा मर जाएगा साला। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ाई लगाते हुए? पता नहीं जान दे आपको लड़ना होगा ना, ये बातें करनी होगी ना मुंह के सामने करना बातें, ठीक है? कभी मछली चलाई तो मैंने बात करना छोड़ दिया यार, बात खत्म करो यार, बस करो भाई। इससे बात करनी है, मेरे इसके ना हाय हेलो है ना दोस्त, तो किसी ने बोल रहा होगा यार। वही मैं पूछ रहा हूँ, किसी की बात पे क्यों जा रहे हैं भाई? बाकी आपको लगता है कि सैम ब्लॉग और अमीन बट ब्लॉग की तगड़ी वाली बहस क्यों हुई थी, कमेंट करके जरूर बताना अगर किसी को पता है तो। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है UKG7 राइडर की साइड से। मैं आपको बता दूंगा UKG7 राइडर की बिग बॉस में गाइस तहलका भाई के साथ काफी तगड़ी वाली वहाँ पे फाइट हो चुकी थी। मैं आपको बताता हूँ किस रीजन में उनकी फाइट हुई थी। मुनावर भाई वहाँ पे आते हैं गाइस, बोलते हैं कि मैंने परांठे पका के रखे हुए थे और किसी कुत्ते के बिल्ले ने मेरे परांठे खा लिए। UKG7 राइडर तहलका भाई को बोलते हैं कि ये आपको गाली दे के चला गया, तो आप बोलते थे कि मैं फटने वाला, फटने वालों तो कब फटोगे आप। तहलका भाई को मुनावर भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उल्टा ही सीन हो जाता है। तहलका भाई UKG7 राइड के ऊपर पड़ जाते हैं, वो बोलते हैं तू मेरे को क्या भड़काने की कोशिश कर रहा है मुनावर के ऊपर। तो उन दोनों की वहाँ पे तगड़ी वाली बहस हो जाती है, एक दूसरे को वो कॉलर भी पकड़ लेते हैं। वहाँ पे गाइस चंगे चांड मुके भी चलने वाले होते हैं, एक दूसरे को वो मारने वाले होते हैं। UKG7 राइड उनको बोलते हैं मारना मारना मार के दिखा, वहाँ पे मारना 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 मारना। वहाँ भी ना वो चंगा प्रॉपर मूड में लगे, आज थप्पड़ है खाना खाना, लेकिन वहाँ पे एक भी थप्पड़ नहीं पड़ता। नेक्स्ट वीडियो आ रही है पूरे राजा डीसी की साइड से। राजा डीसी के चैनल से एक वीडियो उठ रही है जिसमें ना रईस मलिक और राजा डीसी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली ड्रैग रेस कर रहे होते हैं, और वहाँ पे ना पारू जो है वो रईस मलिक के पीछे बैठी होती है, और वहाँ पे ना चंगी खासी ड्रैग रेस हो रही होती है, और वहाँ से ना पारू का iPhone 13 ना वो नीचे गिर जाता है हाईवे में जाते जाते, और वहाँ पे ना आईफोन को तो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा क्रैच होता है, लेकिन ना पारू बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप ही देख लो। ओ भाई 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 इनका फोन गिर गया, तेरा फोन टूट गया है, तू खुश नहीं हो? ये देख साइड से है मजा, वो डाल पॉकेट में, पता कितनी स्पीड में गिरा इसका फोन। बताओ गाइस सलमान खान हर बार बोलते रहते कि जो बिग बॉस है वो फैमिली फ्रेंडली शो है, लेकिन गाइस रिसेंटली बिग बॉस में कुछ ऐसी चीज देखने के लिए मिली जिसको देखने के बाद काफी ज्यादा बंदे शॉक्ड हो गए। मैं आपको बता दूं गाइस बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ा होता है, और वहाँ पे गाइस समर्थ एंड ईशा गाइस बेड पे लेटे होते हैं, गाइस वो एक दूसरे के मुंह पे ऐसे हाथ मारते हैं, और हाथ मारने के बाद गाइस वो ऊपर कंबल रख देते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो बेड के बीच ही घुस जाते हैं। एक ही बार कंबल ऊपर नीचे होता है, पता नहीं होता क्या है वहाँ पे। इसी बात को लेते हुए गाइस काफी बंदे ट्विटर पे इस चीज को शेयर
कर रहे हैं कि सलमान खान बोलते हैं कि बिग बॉस जो है वो फैमिली फ्रेंडली शो है, लेकिन ये बिग बॉस में क्या हो रहा है? बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तेरा कहना है वहाँ पे क्या हुआ होगा? मुझे तो लगता है पक्का सट खुली होगी। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी व्लॉग की साइड से। सौरभ जोशी व्लॉग ने बताया कि मेरे को आईफोन 15 में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। उनने बताया कि जब से मैंने आईफोन 15 लिया तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो सौरभ जोशी ने बताया कि मैं रोज अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आधे से ज्यादा क्लिपे मेरे आईफोन 15 में खराब हो जाती है। ये दिक्कत सिर्फ मेरे फोन में नहीं आ रही, मैंने जितने भी बंदों के पास आईफोन 15 है मैंने उनसे पूछा, वो सारे बता रहे हैं कि मेरे फोन में ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो रूम पे। और गाइज आज ना मेरा पूरा मूड खराब हो गया है, बिकॉज ये जो मैं नया फोन लिया ना गाइज, इसकी वीडियो मैं बताता हूँ कैसे रिकॉर्ड करें। मतलब आधे ज्यादा मेरा ब्लॉग इसने खराब कर दिया भाई। मतलब इतना घटिया फोन है ना, मैं घटिया ही बोलूंगा इसको। ये देखो कैसे वीडियो रिकॉर्ड की है इसने, सारी क्लिप्स खराब कर दी है मेरी सारी की सारी। ये देखो, और ये सिर्फ आज ही नहीं हो रहा था, डेली होता है। डेली मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, डेली एक दो क्लिप खराब होती है, बट आज तो भाई इतनी सारी क्लिप्स खराब हो गई मेरी। और ये मेरी नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स की, बहुत सारे ब्लॉगर्स की हो रही है। सौरभ जोशी ब्लॉग ने बताया कि मैं घर जाते ही अपना आईफोन 15 चेंज करने वाला हूँ। भाई घर जाते ही पहले तो मैं फोन चेंज करूंगा भाई, इसने दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें जरूर कोई सैमसंग वगैरह का लेने का तो सजेस्ट करना, सैमसंग का कौन सा फोन बढ़िया जिसका कैमरा बढ़िया हो ब्लॉगर करने के लिए, तो आईफोन छोड़ दूंगा भाई, दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है लव कटारिया की साइड से। लव कटारिया ने बताया कि मेरे को मनीषा रानी के सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं, क्योंकि गाइस उन्होंने बताया कि मैंने कल के व्लॉग में बोल दिया था कि मनीषा रानी है वो बहुत ज्यादा क्यूट है, तो इसलिए मेरे को उनके सब्सक्राइबर्स हेट दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। और भाई दूसरी चीज, मैं कल के कमेंट पढ़ रहा था, आपको लग रहा कि मैं मनीषा जी को हेट दे रहा हूँ या मनीषा जी की बेइज्जती कर रहा हूँ? भाई यार कल मैं और अर्चित, जब तूने देखा कल का व्लॉग मेरा, मनीषा जी क्यूट है भाई, क्या बात कर रहे हो? मनीषा जी क्यूट है, मेरी दोस्त है भाई, उनके जो दोस्त है उनके, मैं वो भी दोस्त है, सब आपस में हम दोस्त है भाई, ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है, मैं हेट थोड़ी करता हूँ यार। लव टू अलीश आर्मी, लव टू मनीषा आर्मी, लव टू फुकरा आर्मी, लव टू एवरीवन भाई। सीरियस दिखा, बहुत ज्यादा वो हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए दिखे अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने फैंस को। उन्होंने ये कहा यार, मेरे तो आपके पास मिलने के लिए आता हूं, लेकिन आप ऐसे नारे मत लगाया करो, पाजी पाजी जाट प्रजोत जाट प्रजोत, ऐसे नारे मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, और मेरे को अपना नाम ऐसे सुनना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आप आओ मेरे साथ फोटो खिंचाओ, खिलाओ पिलाओ, ऐश कराओ यार, लेकिन ऐसी चीजें मत करो। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप ही देख लो। मैं अपना रियल फीलिंग बताऊं, मेरे को सच में ना ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है? आपको अच्छा लगता है, आप लोग प्यार करते हैं, आप बुलाते, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि एक सामने बड़े सारे बंदे खड़े हैं और सारे अपने को जानते हैं, लेकिन वो ऐसे चिल्ला रहे हैं पाजी या प्रभ जो या जट, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए मेरा नाम। मेरे को अच्छा लगता है आप लोग आए, हाथ मिलाओ, फोटो कराओ, लेकिन वो वैसे वाला नहीं, वो एक होता है ना शोशाबंदी, नहीं भाई मेरे को मेरा नाम और तेज चिल्लाओ और तेज, नहीं नहीं ऐसा मत करो, आओ मिलो, फोटो कराओ, मतलब वो अच्छा लगता है। और गाइस यार आज की अपडेट यहीं तक थी, वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेशर्म आई मारी गई सरा, इधर मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे ऊपर छाल दे देता है रोज। बाकी गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। गाइस आज हम बताते हैं, आज हम इस बंदे के फैन है, क्योंकि इस बंदे ने ज्यादा कमेंट किए ना, और हमने पिछली वीडियो बताया था जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा आज हम उस बंदे को ना दिल से प्यार करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम है वाटर ट्रिप। वाटर ट्रिप के चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, दबा के मारना ठोकना सब्सक्राइब। हम बताते हैं, हम वाटर ट्रिप और आमिर भाई को दिल से प्यार करते हैं। और गाइस यार हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।